हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान एनसीईआरटी बुक से 11वीं यूनिट एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, और आज लेक्चर नंबर 10 है। अब तक 9 लेक्चर्स तक हम लोगों ने क्या कर लिया, एल्कोहल के बारे में, फिनाल के बारे में, एल्कोहल के विरचन की विधियाँ, फिनाल के विरचन की विधियाँ, एल्कोहलों के रासायनिक गुण, फिनालों के रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी उनके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। एल्कोहल फिनाल एवं ईथर का IUPAC नामकरण भी हमने आपको करा दिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ईथर के विरचन अथवा निर्माण की विधियाँ, ईथर का भौतिक गुण और ईथर का रासायनिक गुण, ये टॉपिक है हमारे। ईथर के विरचन की विधियाँ पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ईथर के बारे में जानकारी उन बच्चों के लिए जो पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं। तो वे यौगिक जिनमें R O R- समूह उपस्थित होता है ईथर कहलाते हैं, अथवा यह भी हम कह सकते हैं कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, जैसे देखो मान लो मेथेन ले रहे हैं, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। किस समूह द्वारा, एल्कॉक्सी, तो CH4 था तो CH3 हो गया, O और R इस समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तो ईथर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ईथर को आप दो तरह से जान गए, एक तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें RO R- समूह उपस्थित होता है, दूसरे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन परमाणु को OR समूह, जिसको एल्काक्सी समूह कहते हैं, इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। एल्काक्सी के अलावा यहाँ एरिलाक्सी समूह भी हो सकता है, जैसे देखो CH3O और R की जगह अब हम ले रहे हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन हो गया, तो यह भी इधर होगा। उदाहरण बता रहा हूँ आपको, देख लो थोड़ा सा, एग्जाम्पल CH3O CH3 डाई मेथिल ईथर है, IUPAC नामकरण हम इसका करते हैं, मेथॉक्सी मेथिन। ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की कम चेन होती है उधर हम समूह का नाम रखते हैं ऑक्सीजन को शामिल करते हुए, किस रूप में, एल्कॉक्सी, और जो कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन होती है उसको एल्केन के रूप में, एल्केन, तो एल्काक्सी एल्केन के रूप में ईथर का नामकरण करते हैं। यहाँ इसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन। और भी उदाहरण दिखा रहा हूँ आपको, देखो CH3O C2H5 कार्बन परमाणु की लंबी चेन इधर है, ग्रुप इधर चुनेंगे हम लोग, फिर से मेथॉक्सी ग्रुप, मेथॉक्सी और ये एथेन। और भी एग्जाम्पल देख लो, CH3 CH2 O CH3, यहीं तक रहने दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, देखो अब इधर ग्रुप का नाम लेंगे हम लोग मेथॉक्सी एथेन, यह भी मेथॉक्सी एथेन है, यही कंपाउंड है, उस साइड को चेंज करके लिखा हुआ है केवल। और मान लो कि यहाँ एक और चेन हम बढ़ा ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 O CH3, तब इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं ईथर्स का। IUPAC नामकरण के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहली वीडियो में ही बताया इस चैप्टर के। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ ईथर के विरचन की विधियों पे, और पहली विधि इस प्रकार है। ईथर बनाने की पहली विधि एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, एल्कोहल में से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और निर्जलन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ईथर मिलेगा। देखो किसी एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, यह पहली विधि है। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया देखो, आप दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एथिल एल्कोहल के, या एथिल एल्कोहल हो गया, दो मॉलिक्यूल्स, और इसको गर्म करना है किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है 413 केल्विन टेम्परेचर पे, और यहाँ ईथर प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3। देखो डाई एथिल ईथर बन गया, और इसमें से क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, देखो प्लस H2O या डाई एथिल ईथर,
डाईएथिल ईथर, और आईयूपीएसी नाम अगर आप इसका रखना चाहते हैं तो इथॉक्सी एथेन आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा। देखो एल्कोहलों से ही हम दूसरी विधि द्वारा भी ईथर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और बता दें, सेम पोजीशन होगी, एल्कोहल लेंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे, टेम्परेचर अगर 443 केल्विन 443 केल्विन करते हैं तो यह अभिक्रिया हमने आपको बता दी है कि वहाँ पे एल्कीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे केवल टेम्परेचर का अंतर है ईथर और एल्कीन बनाने में एल्कोहल से। एल्कोहल से अगर हम एल्कोहल का वाष्प यूज करते हैं, देखो मेथिल एल्कोहल ले ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स और इसकी वाष्प है, एल्कोहल वाष्प एल्यूमिना पे प्रवाहित कराते हैं Al2O3 एल्यूमिना पे 525 केल्विन ताप पे, 525 केल्विन है, 525 केल्विन टेम्परेचर पे प्रवाहित कराते हैं एल्कोहल की वाष्प को, तो ईथर प्राप्त होगा CH3O CH3 और इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा प्लस H2O। तो इसको कहते हैं निर्जलन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, यह जो H2O निकल रहा है यह H2SO4 एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ जो H2O बाहर हो रहा है इसको एल्यूमिना और शोषित करेगा, इस तरह से ईथर प्राप्त होता है, यह डाई मेथिल ईथर हो गया। दूसरी विधि दिखा रहा हूँ, देखो आप ईथर प्राप्त करने की दूसरी विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा, और विलियमसन ईथर संश्लेषण इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, बार बार आती है परीक्षाओं में। देखो किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त हो रहा होता है, तो क्या क्या लेना है यहाँ देखो, एल्किल हैलाइड लेना है और सोडियम एल्काक्साइड लेना है, सोडियम एल्काक्साइड, और इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर ईथर बनेगा। अभिक्रिया देखो आप, सोडियम एल्काक्साइड ले ले रहे हैं CH3ONA, यहाँ पे देखो यह एल्काक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसको मिथॉक्सी कहेंगे, ठीक ना, यहाँ पे अगर CH2CH3 होता तो फिर हम एथॉक्सी समूह कहते, तो इनको एल्काक्सी समूह कहा जाता है एल्केन के साथ जब ओ लगा होता है, और इसी के साथ क्या लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है, तो CH3Cl, यह हो गया आपका एल्किल हैलाइड। जरा गौर करो आप यह कैसे टूटेगा, देखो यह तो यहाँ से टूटेगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अलग होगा, और यहाँ ये कैसे टूटेगा सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम धन विद्युतीय तत्व है ना, यह अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला पोर्शन ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा और ईथर बनेगा, देखो CH3O, और इस O के साथ यह CH3 जुड़ा CH3, बच क्या रहा है देखो आप, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोराइड प्लस NaCl। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा डाइमेथिल ईथर हमने बनाया, इस विधि द्वारा सममित और असममित दोनों तरह के ईथर बनाए जा सकते हैं। देखो ऑक्सीजन के दोनों दिशा में अगर समान एल्किल समूह जुड़े हों तो उसको सममित ईथर कहेंगे, यह डाइमेथिल ईथर है सममित ईथर है, यह डाईएथिल ईथर है सममित ईथर है, यह भी डाइमेथिल ईथर है सममित ईथर है, एक असममित ईथर बना रहे हैं इस अभिक्रिया में। देखो यह रिएक्शन नंबर 1 हो गए, दूसरी रिएक्शन दिखा रहे हैं, देखो CH3ONA, ठीक है, प्लस C2H5Cl, यह क्या हो गया, देखो मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड है, और अब की यह टूटेगा तो यहाँ से एथिल समूह अलग होगा जो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा, तो CH3OC2H5, ऑक्सीजन के दोनों दिशा में एक ही जैसे एल्किल समूह नहीं है, इसलिए यह असममित या एसिमेट्रिकल ईथर है, यह सममित या सिमेट्रिकल ईथर है, प्लस NaCl। तीसरी अभिक्रिया भी दिखा रहा हूँ देखो आप, और इस तीसरी अभिक्रिया में मैं आपको एरोमेटिक ईथर बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं C6H5 समूह और इसको बना दे रहे हैं बेंजीन रिंग को ऐसे, यह फेनिल समूह हो गया और यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है
देखो सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे इसको, और यदि इसकी क्रिया किसी एल्किल एथिल क्लोराइड एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोडाइड से होती है, हाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड से होती है तो ईथर बनता है। तो यह अभिक्रिया देखो, यह बेंजीन रिंग हो गई आपकी, बेंजीन रिंग इसके साथ ऑक्सीजन, और यहाँ से कौन सा ग्रुप मिलेगा, मेथिल समूह, तो CH3 समूह यह जुड़ जाएगा प्लस NaBr, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एक एरोमेटिक ईथर हो गया, ऑक्सीजन के एक साइड पे फेनिल समूह जुड़ा है, नाम अगर रखोगे तो मेथिल फेनिल ईथर नाम है इसका। तो ये ईथर बनाने की अलग अलग विधियां हो गई, एक विधि आपको और दिखा दे रहा हूं, देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण से आप कई प्रकार के ईथर बना सकते हो, CH3 CH2 ओ एन ए प्लस CH3 CH2 आई एथिल आयोडाइड अब की बार ले लिया हूँ एल्किल हैलाइड के रूप में, और यहाँ देखो इधर क्या बनेगा CH3 CH2 ओ, देखो एथॉक्सी समूह अलग हुआ और यहाँ से एथिल समूह इसके साथ आके जुड़ेगा CH2 CH3 प्लस NaI। तो इस तरह से ईथर का संश्लेषण विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा किया जाता है। चूंकि सममित असममित दोनों तरह के ईथर यहाँ बन जा रहे हैं, इसलिए यह विधि ज़्यादा उपयोगी है। अब मैं आप लोगों को ईथर के भौतिक गुणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ईथर का पहला भौतिक गुण क्वथनांक है, क्वथनांक अर्थात वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलता है। और ईथर के क्वथनांक कितने होते हैं, देखो इनके क्वथनांक एल्कोहलों व फिनालों की अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि ईथर में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, तो ईथर में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इस कारण से इनमें क्वथनांक कम प्राप्त होते हैं, और इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों के लगभग बराबर होते हैं, चूंकि हाइड्रोकार्बन में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो उनके बराबर होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के क्वथनांक के लगभग बराबर। और दूसरा गुण देखो आप, घुलनशीलता इनकी कैसी है। ईथर का दूसरा भौतिक गुण विलेयता या घुलनशीलता, तो ईथर जल में विलेय होते हैं क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, तो यहाँ भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो यहाँ ईथर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर ओ आर डैश से प्रदर्शित करते हैं ना, H2O को कैसे दिखाते हैं, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर का ऑक्सीजन जल का हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन जल के अणुओं के मध्य और एल्कोहल के अणुओं के मध्य जिस तरह से चेन देखने को मिलती है, यहाँ चेन नहीं मिलती, इसीलिए कहा जाता है कि इनकी विलेयता भी एल्कोहल की अपेक्षा जल में कम होती है, चेन नहीं बनती लेकिन यह भी जल में विलेय होते हैं, चूंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बन रहा है और अलग अलग अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो इनको भी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, इसलिए ये जल में विलेय होते हैं। अब मैं रासायनिक गुणों पर बात करूंगा कि ईथर के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। देखो ईथर के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं अब हम। पहला रासायनिक गुण हैलोजन अम्लों से क्रिया, और हैलोजन अम्लों के बारे में तो आप जरूर जान रहे होंगे, कई कई बार हमने भी चर्चा की है, वे अम्ल जो हैलोजन परमाणुओं के साथ बनते हैं जैसे HCl HF HBr HI, इनको हम हैलोजन अम्ल कहते हैं, ये हैलोजन अम्ल, इन्हीं को खनिज अम्ल भी कहते हैं, तो इनके साथ ईथर की अभिक्रिया कराते हैं। ईथर में देखो एक और बात होती है, आर ओ आर डैश यह समूह है ना, ईथर का एक प्रतीक है आर ओ आर डैश। ईथर बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, सभी कार्बनिक यौगिकों में जिनमें क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उनमें सबसे कम क्रियाशील ईथर होते हैं, तो एल्केनों के बाद इनकी क्रियाशीलता चूंकि एल्केनों से ज़्यादा होती है, एल्केनों में तो कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, एल्केन तो सबसे निष्क्रिय हैं, सबसे कम क्रियाशील हैं, तो एल्केनों के बाद ईथरों की क्रियाशीलता आती है, तो साधारण परिस्थितियों में ईथर अभिक्रिया नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे अभिक्रिया करते हैं, उच्च ताप पे पहुंचाना पड़ता है। और दूसरी बात देखो, जो ज़्यादा अम्लीय हैलोजन अम्ल हैं
इनमें अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम कैसे है? एच आई ज़्यादा अम्लीय है, उससे कम एच बी आर, उससे कम एच सी एल और सबसे कम एच एफ। तो अधिक अम्लीय जैसे एच बी आर और एच आई ही हैलोजन इनसे ईथर के साथ अभिक्रिया कर पाते हैं। तो यही बात हमने लिखी हुई है, ईथर हैलोजन अम्लों जैसे एच बी आर तथा एच आई के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ जब ईथर की अभिक्रिया होती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। यह भी अभिक्रिया कर जाएगा HCl भी, और उच्च टेम्परेचर की जरूरत होगी। रिएक्शन दिखा रहा हूँ, देखो आप CH3O CH3 प्लस HBr, तो इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। देखो CH3Br, अगर यह यहाँ से टूटता है तो इसके साथ नेगेटिव पोर्शन आएगा, और अगर यह यहाँ से टूटता है तो इसके साथ नेगेटिव पोर्शन आ जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में CH3Br और इसके बाद CH3O और इसके साथ हाइड्रोजन जाएगा CH3OH। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड और एल्कोहल बन रहा है, ठीक है ना? यह आपका एल्किल हैलाइड हो गया या एल्कोहल हो गया, मेथिल ब्रोमाइड है या मेथिल ब्रोमाइड, और यह हो गया मेथिल एल्कोहल। यह अभिक्रिया यहीं रुकती नहीं है, आगे भी चलती है। देखो CH3OH प्लस HBr एल्कोहल के साथ चूंकि हैलोजन अम्ल अभिक्रिया करते हैं, यह अभिक्रिया तो आसानी से होगी इसकी अपेक्षा, और जब एल्कोहल बनता है तो तुरंत ही अभिक्रिया आगे बढ़ जाती है CH3Br प्लस H2O एल्किल हैलाइड, फिर से मेथिल ब्रोमाइड और जल। अगर यहाँ पे डाईएथिल ईथर लेते तो फिर ये क्या बन जाता? एथिल ब्रोमाइड बन जाता, या भी एथिल ब्रोमाइड बन जाता। तो इस तरह से ईथर हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगली अभिक्रिया बता रहा हूँ देखो आप, लेकिन इसके पहले आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। ईथर के रासायनिक गुणों में दूसरा पॉइंट है हैलोजनन, इसी को हैलोजनीकरण कहते हैं या हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन में क्या होता है, किसी भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन को तो कम ही लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन अथवा आयोडीन का परमाणु जो है जुड़ता है किसी कार्बनिक यौगिक के साथ तो उसको हैलोजनीकरण कहते हैं। और यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, कोई एक एटम या ग्रुप हटेगा तो फिर उसके बाद हैलोजन का परमाणु जुड़ेगा। ईथर की क्रिया अंधेरे में हैलोजनों से कराने पर हैलोजनों का प्रतिस्थापन अल्फा कार्बन परमाणु पर होता है, और अल्फा कार्बन परमाणु किसे कहते हैं यहाँ दर्शा रहा हूँ। देखो एक ईथर बना रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, डाई एथिल ईथर है, और यहाँ देखो आप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, दोनों ही दिशाओं में अल्फा बीटा, और पोजीशन अलग करने के लिए एक साइड डैश लगा दें, ठीक है, इधर अल्फा बीटा, इधर अल्फा डैश और बीटा डैश कार्बन परमाणु है। अब इनकी क्रिया हैलोजनों से कराते हैं तो अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा उसके स्थान पे एक हैलोजन का परमाणु प्रतिस्थापित होके आ जाएगा। देखो प्लस 2Br2, ब्रोमीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और यह डार्क में रिएक्शन होगी, अंधेरे में क्या बनेगा? देखो CH3CHCl, बी आर लिया है ना, तो यह ब्रोमीन BrOCHBr और CH3। तो एक अल्फा कार्बन पे एक अल्फा डैश कार्बन पे ब्रोमीन के परमाणु लग गए हैं, और बच क्या रहा है? प्लस, इसी के साथ यहाँ पे 2HBr यह बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन हो चुका है, और इसका नाम क्या रखोगे आप? पहले तो यह डाई एथिल ईथर था, अब अल्फा और अल्फा डैश पोजीशन पे ब्रोमीन के एटम आए हैं, तो इसका नाम होगा अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो डाई एथिल ईथर, लिख दे रहे हैं अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो
डाई ब्रोमो, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर इसका नाम हो गया। अब हम दूसरी अभिक्रिया दिखा रहे हैं कि अगर प्रकाश में, यहाँ तो डार्क में दिखाए, प्रकाश में और हाइड्रोजनों का आधिक्य रखें तब यह अभिक्रिया कैसे चलती है। उस समय यह सभी हाइड्रोजन परमाणु जिस भी कार्बन के साथ लगे हैं सारे के सारे प्रतिस्थापित होंगे हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ। और इनके लिए भी अभिक्रिया दिखा रहा हूँ, देखो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 10 Cl2, आपकी क्लोरीन ले ले रहा हूँ, 10 Cl2। और अब की अभिक्रिया प्रकाश में होगी, लाइट में होगी तो सभी के सभी देखो 2, 3 और 2, 5, 5 इधर हाइड्रोजन है, 5 इधर हैं, 10 हैं तो 10 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित हो जाएंगे। देखो क्या बना, CCl3 CCl2 ओ CCl2 CCl3 प्लस 10 HB HCl, चूँकि Cl लिया हुआ है हमने ना, तो 10 HCl HCl नाम इसका होगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये दो अभिक्रियाएं आप देख लिए। तीसरी अभिक्रिया दिखा रहा हूं, देखो तीसरा रासायनिक गुण पराक्साइड का निर्माण। ईथर को हवा में खुला रखने पर यह वायु की ऑक्सीजन से धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर ईथर पराक्साइड बनाते हैं और ईथर पराक्साइड अत्यधिक विस्फोटक होता है। अभिक्रिया यहाँ भी दिखा रहा हूँ, देखो अगर ईथर को CH3 CH2 और इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, यहाँ भी CH2 CH3 ईथर ही है, इसको खुला हुआ नहीं लिखा बल्कि इस तरह से लिखा, और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। किस ऑक्सीजन के साथ? वह ऑक्सीजन जो एयर में है, हवा में मौजूद है, क्योंकि इसको हवा में खुला रखा गया, डाई एथिल ईथर है, तो हवा की ऑक्सीजन के साथ ही यह ऑक्सीकृत हो जाएगा और ईथर पराक्साइड बनाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस पर तो दो दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यह हो गया डाई एथिल ईथर पराक्साइड, डाई एथिल ईथर पराक्साइड पराक्साइड। ठीक है, तो ईथर पराक्साइड बन गया और यह पराक्साइड अधिक विस्फोटक होता है, आग पकड़ता है तो तीव्र विस्फोट करता है। इसके बाद अगर आप सोचो, अभी तक जो भी हमने ईथर पढ़ाए हैं उनमें सभी के सभी एलिफैटिक ईथर हैं, अगर एरोमेटिक रिंग लगी हो ईथर में तो वे ईथर एरोमेटिक रिंग पे भी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाएंगे। और उन अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एरोमेटिक ईथर की अभिक्रियाओं को भी दिखा दे रहा हूँ। चौथा रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन पे बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। इनमें पहला है हैलोजनीकरण। एसिटिक अम्ल में घुली ब्रोमीन द्वारा एनिसोल की क्रिया कराने पर आर्थो व पैरा उत्पाद बनते हैं। अब यहाँ एक नया चीज़ आ गया, देखो एनिसोल यह चीज़ क्या है, तो इसके पहले हमने एरोमेटिक ईथर की बात की थी। अगर ईथर में एक दिशा में बेंजीन रिंग लगाई जाए, देखो यह बेंजीन रिंग हो गई OCH3 ईथर हुआ ना, ऑक्सीजन के एक दिशा में मेथिल समूह, दूसरी दिशा में फेनिल समूह लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया, फेनिल मेथिल ईथर या मेथिल फेनिल ईथर कहेंगे इसको। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया किस कारण बेंजीन रिंग पे होती है दिखा रहा हूँ। इस ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर स्थित है ना, दो एकल युग्म इस ऑक्सीजन पे हैं और ये क्या करेंगे, एक एकल युग्म यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर डोनेट करता है तो डबल बॉन्ड वाला गुण आएगा इसमें और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस स्थान पे शिफ्ट होंगे। देखो अगर संरचना हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे,
OCH3। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ही लोन पेयर बचेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगली अभिक्रिया में, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये इस स्थान पे आके नेगेटिव चार्ज स्थापित करेंगे। देखो ओ सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ गए नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड पहले से बना है, ठीक है। इसी का अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे डी लोकेलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पेयर का, जो लोन पेयर ऑक्सीजन पे उपस्थित हैं उनका संयुग्मन हो रहा है, और संयुग्मन होता है तो यहाँ पे और इस स्थान पे, फिर से बना रहा हूँ, देखो एनिसोल को क्या हो रहा है, ओ सी एच थ्री, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है और हम कहेंगे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है इन पोजीशंस के ऊपर, एनिसोल को बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ होंगी, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे नेगेटिव सेंटर पाएगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, ठीक है, यह भी तो आर्थो ही है। तो आर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं और एनिसोल के साथ अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं, देखो आप अभिक्रिया को, मेथिल फेनिल ईथर यहाँ पे ले लिया हमने, इसका नाम है एनिसोल, और इसी एनिसोल पे हमको दिखानी है हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण की अभिक्रिया, और एसिटिक एसिड में घुली ब्रोमीन, में घुली ब्रोमीन लेना है यहाँ पे, ब्रोमीन। अभिक्रिया कहाँ होगी, आर्थो पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कई कई बार हो चुकी, और देखो पहले तो आप लोगों को हमने हैलोइरिन में पढ़ाया, उसके बाद फिनाल्स में पढ़ाया, एक आर्थो उत्पाद बनेगा, दूसरा पैरा उत्पाद, ओ सी एस थ्री यहाँ बी आर, ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ा, ये पैरा पे जुड़ा, नाम क्या होगा, आर्थो ब्रोमो एनिसोल, ठीक है, और इसको पैरा ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम लिख दे रहा हूँ पैरा ब्रोमो एनिसोल, और इसका नाम लिखा जाएगा तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल लिखा जाएगा। दूसरी अभिक्रिया देखो जिसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण आपको पहले भी हमने बता दिया है इसलिए यहाँ लिख नहीं रहे हैं, केवल हम अभिक्रिया दिखा रहे हैं। देखो आप, अगर एनिसोल की क्रिया ओ सी एच थ्री है, इसकी क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है, कॉन्सेंट्रेट एच एन ओ थ्री के साथ करानी है, कॉन्सेंट्रेट एच टू एस ओ फोर की उपस्थिति में, ठीक है। अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, एनिसोल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर आर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, उत्पादों को यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ओ सी एस थ्री, इसमें क्या होता है, नाइट्रो समूह का प्रतिस्थापन आर्थो पैरा स्थान पे होता है, एक आर्थो उत्पाद हो गया, दूसरा पैरा उत्पाद, ओ सी एस थ्री और यहाँ NO2, आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल, यहाँ भी एक का नाम लिख दे रहा हूँ पैरा नाइट्रो एनिसोल। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मैंने आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं भी बताया है, और यहाँ पे देखो यह दूसरा पॉइंट
नाइट्रीकरण था। तीसरा पॉइंट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं का, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं भी दो तरह की है ना, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं, एल्काइलेशन एल्कलीकरण, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में क्या होता है देखो आप, एनिसोल फिर से ले रहे हैं ओ सी एस थ्री, फिर से एनिसोल लिया, एल्कलीकरण में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं सी एस थ्री सी एल, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अभिकर्मक होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, आर्थो और पैरा स्थान पे मेथिल समूह का प्रतिस्थापन होता है। तो देखो उत्पाद यहाँ क्या बनेगा, OCl3 आर्थो पोजीशन पे मेथिल समूह का यहाँ प्रतिस्थापन हुआ एक उत्पाद, और दूसरा उत्पाद पैरा स्थान पे मेथिल समूह का प्रतिस्थापन वाला बनेगा OCH3 और CH3। अब देखो इसका नाम, इसको अगर ढक लिया जाए तो ये टॉलविन हुआ, इसको ढका जाए तो टॉलविन हुआ ना, तो टॉलविन के आधार पे इसका नाम रखेंगे आर्थो मेथॉक्सी टॉलविन और ये पैरा मेथॉक्सी टॉलविन, इसका नाम लिख दे रहा हूँ पैरा मेथॉक्सी टॉलविन, ठीक है। अब हम आपको बता दे रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया को, यह भी देख लो यहीं हो जाए, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण एसिलीकरण, और एसिलीकरण में क्या करते हैं हम लोग, एसिड क्लोराइड लगाते हैं, जैसे यहां मेथिल क्लोराइड लिया तो मेथिल क्लोराइड के बजाय एसिड क्लोराइड लिया जाता है, एनिसोल हो गया प्लस CH3COCl, यह हो गया एसिड क्लोराइड जो एसिटिक एसिड से बनता है, और फिर से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अभिकर्मक लगाया निर्जल AlCl3, यहाँ पे क्या होगा COCH3 समूह का प्रतिस्थापन आर्थो और पैरा स्थानों पे होगा। तो देखो यहाँ बना दे रहा हूँ, यह बेंजीन रिंग हो गया OCH3 और आर्थो स्थान पे COCH3, ठीक है। अब इसका नाम होगा, पोजीशन पहले तो हम लोगों को तय करना होगा, देखो यह एक नंबर और यह दो नंबर, दो नंबर के साथ ये मेथॉक्सी समूह लगा हुआ है, इसको तो एसिटोफिनोन कहते हैं, तो क्या नाम रखेंगे, टू मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, और दूसरा उत्पाद देखो जो पैरा उत्पाद बनेगा या बेंजीन रिंग OCH3, पैरा पोजीशन पे COCH3 जुड़ेगा, और इसका नाम होगा, देखो पोजीशन तय कर लो 1 2 3 4, अब फोर नंबर पे मेथॉक्सी समूह लगा है तो फोर मेथॉक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ईथर भी समाप्त हो गया है, एल्कोहल फिनाल ईथर तीनों को हमने समाप्त कर लिया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, जैसे निम्न एल्कोहल का उच्च एल्कोहल में परिवर्तन कैसे करेंगे, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे आप, या एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान कैसे करोगे, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में अंतर कैसे करोगे, तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।